नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अर्नोटेक में। मैं जय चौहान आपके लिए एक नया वीडियो लाया हुआ नए टॉपिक पे। दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह का हार्ड डिस्क हो लैपटॉप का, ये लैपटॉप का हार्ड डिस्क है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क हो उसको आप USB बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक डिवाइस बताऊंगा जिसके जरिए से आप इस लैपटॉप हार्ड डिस्क को USB हार्ड डिस्क बना सकते हैं। मार्केट में इस तरह से USB केस आता है, आप देख सकते हैं 3.0 हार्ड ड्राइव इंक्लोजर, इस तरह से USB केस इसको बोलते हैं। ये 350 रुपए का आता है मार्केट में। आप ये मैं आपको खोल के दिखाऊंगा किस तरह हार्ड डिस्क लगता है। इसमें ये केस होता है इस तरह से, इसके अंदर ये हार्ड डिस्क लगता है। ये जो हार्ड डिस्क है, तो हमारे पास एक 3.0 का ये पुराना केस है, मैं आपको दिखाऊंगा खोल के कि आप इसमें USB हार्ड डिस्क बना सकते हैं। इस तरह से होता है ये, इसके अंदर ये कार्ड होता है जिसमें हार्ड डिस्क लगता है। ये आपका हार्ड डिस्क, इसमें आप आराम से इसको लगा देते हैं और ये ऊपर से केस आप बंद कर दीजिए। हार्ड डिस्क केस के अंदर हमने हार्ड डिस्क को लगा दिया। अब ये आपका डेटा केबल है, ये हार्ड डिस्क में एक कनेक्ट होगा इस तरह से, इस तरीके से ये आपने कनेक्ट कर दिया। अब आप ये केबल को आप कंप्यूटर लैपटॉप कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से ये काम करता है। हमने इसको USB में लगा दिया, आप ये देख सकते हैं इस तरह से ये ब्लू लाइट इसमें ब्लिंक करेगा और आपका हार्ड डिस्क जो है, ये USB हार्ड डिस्क बन चुका है। आप इसको कैरी भी कर सकते हैं आराम से, कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका हार्ड डिस्क सेफ रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।